आज मैं आपके लिए 29 गज का एक प्लॉट लेके आया हूँ, जिसका 10 फुट का फ्रंट है, 26 फुट की गहराई है और फुल्ली कमर्शियल रोड पे है। जी बिल्कुल, 25 फुट के रोड पे काली माता मंदिर रोड और छोटा सा प्लॉट। डेफिनेटली आपके लिए 100% ये मान के चलिए, आपके दुकान और मकान, वो भी कम बजट में, छोटे से बजट में, दुकान और मकान दोनों के पर्पज को सिद्ध करता है। तो चलिए बिना समय गवाए जो है कि आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज हम आपसे थोड़ा टाइम लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो को मत देखिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, ये माइलस्टोन साबित होने वाली है, मील का पत्थर साबित होगी। कारण कि आज की वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ कॉलोनियों के बारे में, जो नए नियम हैं, चाहे आसपास जो डेवलपमेंट चल रहा है, इसके बारे में आपको जीरो से लेकर जेड तक बहुत कुछ बताऊंगा। और सिंपल सी बात है कि आप जब कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, तो जो जो सवाल आपके माइंड में आते हैं, कोई भी सवाल जो आपके माइंड में आता है, उन सब का आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई हम जहाँ खड़े हैं लोकेशन क्या है, और यहाँ पर हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए, इन सवालों का ही जवाब ढूंढते हैं। तो मित्रों, नॉर्मली जो है हम वीडियो जो बनाते हैं, ज़्यादातर वो बनाते हैं भाग्य विहार की। और भाग्य विहार ऐसी कॉलोनी है जो दूसरी कॉलोनियों से, मैं समझता हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके समझने के मायने कुछ और हों और मेरे समझने के मायने कुछ और हों। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जो समझ है, मैंने यहाँ पर लगभग 6 महीने की रिसर्च करने के बाद, दिल्ली, ये जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, इसमें जो कॉलोनियाँ हैं, लगभग 15-20 कॉलोनियों की मैंने 6 महीने तक रिसर्च की, और उसके बाद मैं यहाँ पर आया और मुझे ये कॉलोनी हर पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी लगी। और अल्टीमेटली जो है कि मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया, घर बनाया, और आज जहाँ मैं खड़ा हूँ, यानी कि ये काली माता मंदिर रोड मेन मंगल बाज़ार चौक से आ रहा है, और रानीखेड़ा का जो बस डिपो है, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर, और जो रानीखेड़ा चौक है, जो बस स्टैंड है, वो मुश्किल से 150 से 200, बहुत ज़्यादा मान लेते हैं 250 मीटर मान लेते हैं। नहीं तो कोई भाई कमेंट करने के बैठे होंगे मेरी वीडियो देखने के लिए कि कहाँ गलत बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपकी हर एक छोटी सी गलती को एनालाइज किया जाएगा, फिर उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे लोग। तो डेफिनेटली सी, जब ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हम खड़े हैं यहाँ पर, मंगल बाज़ार से रोड आ रहा है, काली माता मंदिर रोड है, और इस रोड पर ही हमारा एक छोटा सा घर है, उसी में हमने ऑफिस भी बनाया अपना। तो इस कॉलोनी को हमने कुछ सोच समझकर ही चुना था। सबसे पहली बात कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव क्या हैं। देखिए, अगर आप वर्तमान चीज़ों को देखकर कहीं भी प्लॉट ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि उसको आप 25% का वेटेज दीजिए, ठीक है। 75% का वेटेज किस चीज़ को दीजिए, तो 75% का वेटेज जो आपको देना है, वो देना है कि वहाँ पर फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, वहाँ पर जो डेली रूटीन की फैसिलिटीज़ हैं वो है या नहीं है, जैसे स्कूल है या नहीं है, भाई स्कूल रोज़ जाना है बच्चों को, ग्रोसरीज़ की जो चीज़ें हैं, शॉप है, डेली रूटीन की वस्तुएं हैं, वो मिल रही है नहीं मिल रही प्रॉपर, उसके बाद हॉस्पिटल और दवाइयों की जो मेडिकल की जो व्यवस्था है वो है या नहीं है, तो ये चीज़ें आपकी 75% में आएंगी। उसके अलावा जेंट्री कैसी है आने वाले टाइम में यहाँ पे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्राइम रेट क्या है, यानी क्राइम तो ज़्यादा नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को 75% में रखिए। और इसमें एक छोटा सा वेटेज 25% का दीजिए कि फ्यूचर के बड़े प्रोजेक्ट क्या हैं, यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट क्या हैं, बड़े प्रोजेक्ट में लगता है टाइम, ठीक है। तो इसलिए मैं उसको 25% बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर कहीं ज़मीन ले रहे हैं, पता चले आपकी पूरी उम्र निकल जाए और आप जो है कि उस बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में अपनी लाइफ में जो जो आपने सपने सजोए थे वो भी ना पूरे कर पाएँ, तो ऐसा भी मत करिएगा, ठीक है ना। इसका वेटेज जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर हमने जब पूरी रिसर्च की थी तो हमें ये पता चला कि भाई बगल में रोहिणी सेक्टर 40 का डेवलपमेंट होना है, थोड़ी ही दूर पर आपका DSIIDC की ज़मीन पड़ी है, और जो कि 147 एकड़ की है, 147 एकड़ की ज़मीन है, और इस पे दिल्ली सरकार का पहले से प्रपोज था, इस पे प्रपोजल पहले से था दिल्ली। और सिंपल सी बात है, प्रपोजल नहीं भी होता तो एक बात क्लियर है कि जब लैंड है सरकारी, DSIIDC की है, यानी कि जब इंडस्ट्री की ज़मीन सरकारी बची हुई है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री ही लगेगी, तो उन चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। और अब जाके इसका 3-4 साल में इसका रिजल्ट आ रहा है और इस पर टेंडर भी जारी हो ही जाएगा। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, अब देखिए कब तक टेंडर आता है, कब तक उस पर काम शुरू होता है। सुना तो ऐसा जा रहा है कि मई या जून के
समय जो है कि ये काम शुरू हो सकता है और इस पर प्रॉपर काम शुरू होगा। तो एक तो ये चीज़ होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम देखते हैं कि कहीं भी आप घर बना के रहते हैं तो सिंपल सी बात है, जंगल में तो कोई रहेगा नहीं, रहेगा वहीं पे जहाँ पे वो सुबह ऑफिस के लिए निकल सके और शाम को टाइम से घर पे आ सके। अगर ऑफिस में जितना समय बिता रहे हैं उसका अगर 15-20% भी आपका ट्रैवलिंग में खर्च हो रहा है तो वो ज़्यादा माना जाएगा, ठीक है ना। 8 घंटे बिता रहे हैं, अगर 1.5 घंटे खर्च हो जाए, 2 घंटे खर्च हो जाए ट्रैवलिंग में, तो वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट मिस हो जाएगा। तो इसीलिए ये देखिए कि भाई आपके घर से ऑफिस की दूरी 1 घंटे से ज़्यादा की ना हो और इजीली एक्सेसिबल हो। इसके साथ ही तो इन चीज़ों में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी को हम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है। तो जब कभी भी आप प्लॉट लेते हैं, हाँ जी, जब कभी भी आप प्लॉट कोई भी लेते हैं तो बहुत ही इजी हो जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन को देखिए। ट्रांसपोर्टेशन के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जहाँ रह रहे हैं जाने के लिए सड़कें कैसी हैं। जी, ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए आपका ऑन रोड है, प्लॉट आपका मान लीजिए 100 मीटर के दायरे में है मेन रोड से, लेकिन आपके घर तक जाने के लिए जो सड़क है, जो गली है, वो मात्र और मात्र मान लेते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे 15 फुट की है या 20 फुट की है। तो ऐसे में क्या होगा कि भाई आपकी गाड़ी जा रही है, आगे से 2 गाड़ियाँ आ गई या फिर 1 गाड़ी आ गई तो बस जाम लग जाएगा लंबा, है ना, कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो। और ये भी देखना है कि जिस कॉलोनी में आप घर ले रहे हैं कि उसमें घुसने के और निकलने के कितने रास्ते हैं। कितने रास्ते का मतलब ये है, ऐसा ना हो कि भाई घुसने के लिए एक ही रास्ता हो, निकलने के लिए भी एक ही रास्ता हो, तो 100% फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। जब आबादी बढ़ती जाएगी तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उसी में जो है कि देखा जाता है कि भाई मल्टीपल रास्ते हैं या नहीं है, यानी कि आप जिस जगह घर ले रहे हैं वहाँ से बाहर निकलने के लिए आपके पास 2 या 4 एग्जिट और एंट्री के रोड है या नहीं है। तो ऐसी कंडीशन ही अच्छी जो है साबित होती हैं जब आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। किसी भी कॉलोनी की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि बस भाग्य बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपको दिल्ली की कोई भी कॉलोनी हो तो वहाँ पर अगर आप अपना घर लेना चाहते हैं तो बहुत ही इजी है। आपको कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर आप अपने आप को परख सकते हैं। पहला पैरामीटर ट्रांसपोर्टेशन का, दूसरा डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं जैसे ग्रोसरीज ये सब कितनी दूर हैं, और तीसरा और जो हमारे करियर में जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आसपास होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, ठीक है। और चौथा जो आपका हो जाएगा वो जो मैं आपको बता रहा था कि भाई ट्रांसपोर्टेशन को जो मैंने आपको दी सबसे पहली ये तो होगी, चौथा यह है कि आसपास का जो माहौल है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे क्राइम ना हो, वहाँ पे अच्छे लोग रहते हों, बात विचार अच्छी भाषा बोलते हों, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो मैंने बताया कि मल्टीपल एंट्रीज़ को तो आपको ध्यान रखना ही है। अब जैसे हम अपने भाग्य बिहार की ही बात करें तो रानीखेड़ा चौक से घुसेंगे और इस रोड को ज्वाइन करेंगे जो जिस पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप चलिए मुश्किल से इस चौक वाले रोड से, जो रानीखेड़ा चौक से रोड आ रहा है जैन पब्लिक स्कूल पर, वहाँ से 100 मीटर चलिए तो फिर एक रोड जो है कि 30 फुट का आपको उसी मुंडका कराला रोड पर निकालेगा। फिर जो है कि 100 मीटर चलिए तो फिर एक 25 फुट का रोड आपको मेन रोड पर निकालेगा। फिर 100 मीटर चलिए तो फिर आपको 25 फुट का रोड मेन रोड पर निकालेगा। तो ऐसे ही क्या है कि मल्टीपल एंट्रीज हैं, मल्टीपल एग्जिट हैं, तो ऐसी कॉलोनियों में पूरा डेवलपमेंट होने के बावजूद आपको कभी भी, यकीन मानिए, मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कॉलोनी में कोई काम भी चल रहा होगा ना किसी पार्ट पे, तो आप दूसरे रास्ते से निकल जाओगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो कोई भी प्लॉट लेते वक्त आपको ध्यान में रखनी है। अब आ जाते हैं अपने वापस उस चीज़ पर जिसके हमने शुरू में आपसे बात की थी। अब वीडियो में काफ़ी जो है प्रवचन हो गया, आपको ऐसा लगेगा, मतलब जो हमारे जेन्युइन कस्टमर हैं वो तो भाई समझ रहे होंगे चीज़ों को कि टाइम देना पड़ता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं जिनके पास समय कम है तो उनको लग रहा होगा कि प्रवचन बहुत दे दिया, ठीक है, तो क्षमा चाहते हैं उनके लिए। तो मैं आपको बता दूं कि 29 गज का प्लॉट है, और जो प्लॉट है 29 गज का वो भी ऐसा है कि आपके दुकान और मकान दोनों के काम आएगा। जी, 10x26 का साइज, 10 फुट का फ्रंट और ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। आपको फेस भी बताया था, ईस्ट फेसिंग प्लॉट है और इसी रोड पे है। ये जो कमर्शियल रोड आपको दिख रहा है इस तरफ, जिस तरफ मैं खड़ा हूँ, मैं जानबूझ के इस तरफ खड़ा हूँ कि इधर थोड़ी सी आबादी कम है, बड़े प्लॉट हैं
और इधर जो है कि खचर पचर कम रहेगा और मैं अच्छी तरह शूट कर पाऊंगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे खाली ज़रूर है लेकिन लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो इधर पूरी बसावट है खचाखच और इस तरफ जो है कि बसावट हो रही है, दुकानें बन रही हैं और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे रोड पे जो बसावट होगी, जो मार्केट बनेगी ना, वो वाकई बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी लंबी। अगर मैं 20-25 मिनट की वीडियो डालूंगा तो आप में से कोई भी समय नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम एकाग्रता बहुत कम समय के लिए रख पाते हैं किसी चीज़ पे। तो इस वीडियो का सेकंड पार्ट मैं आपको बनाऊंगा और उस सेकंड पार्ट में मैं आपको उस प्रॉपर्टी पे ही डायरेक्ट जो है सारी चीज़ें बताऊंगा और उसको समझाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी यहीं पे है, आसपास ही है। इंतज़ार करिए कल तक का, कल मैं आपको जो है, कल या परसों में जो है कि मैं आपको सेकेंड पार्ट दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।